हेलो, नाउ वी हैव टू आफ्टर डिस्कसिंग द हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सम मोर एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैट्रिक्स एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई पढ़ा, ठीक। ए बी इनवर्स जो होता है, बी इनवर्स इन टू ए इनवर्स पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। ए इनवर्स का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी इन टू एडजॉइंट, छोटे छोटे फार्मूले पढ़े जो बड़े काम के हैं, वन मार्क्स के क्वेश्चन में काम करते हैं। इसके बाद अगला अप्लीकेशन हमारा होता है कि इसमें बताना अप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दोनों का कम्बाइंड इफेक्ट होता है। तो इसमें इन दिस सेक्शन क्या पढ़ेंगे हम लोग कि हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों को कंबाइन एक साथ करके के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और थ्री वेरिएबल को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? कंसिस्टेंट का मतलब ये होगा कि अगर किसी सिस्टम का सोल्यूशन निकलेगा तो उसे हम वन या मोर सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट कहेंगे, अगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो उसे हम लोग इनकंसिस्टेंट। जैसे क्लास टेंथ हम लोग पढ़ते थे कि अगर किसी प्लेन पे स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो या तो इंटरसेक्टिंग होगी, या तो पैरेलल होंगी, या तो एक के ऊपर दूसरी लाइन कॉन्सिडेंट करेगी। कौन से? तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आता था, यहाँ पे इन्फाइनाइट सोल्यूशन आता था, यहाँ पे हमारा नो सोल्यूशन आता था। तो जो आपने क्लास टेंथ में पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे हम लोग ट्वेल्थ में अब थ्री या फोर वेरिएबल तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई में जो हमारा आता है जनरली थ्री वेरिएबल का क्वेश्चन आता है, यूनिक सॉल्यूशन वाला ही आता है। ऐसे इसमें क्वेश्चन आप साइड बुक वगैरह पढ़ेंगे तो इस पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी होगा और नो सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग को रिस्ट्रिक्शन है कि हमें यूनिक सॉल्यूशन ही पढ़ना है। अब सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड, इट इज ए इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, ये तीन इक्वेशन है। तो दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स कैन बी रिटन, अगर हमने मान लिया कि लेट ए एक ऐसा मैट्रिसेस बनाया जो एक्स वाई और जेड के कोफिशियंट से बना, एक कैपिटल एक्स हमने बनाया मैट्रिसेस जो वेरिएबल एक्स वाई जेड से बना, और एक मैट्रिक्स हमने बनाया एक दो थ्री क्रॉस वन का, एक हमने बनाया मैट्रिसेस जो इसके राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट टर्म से बना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इसको हम लोग लिख लेते ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी टू सी थ्री, अगर इसका मल्टीप्लाई करते तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू जीरो पहला इक्वेशन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू दूसरा इक्वेशन, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री तीसरा इक्वेशन। तो ये है, तो कुल मिला जुला के जब यह, तो अब इन प्लेस ऑफ दिस मैट्रिक्स वी हैव टू राइट ए, इसकी जगह एक्स लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ ए को हटाना पड़ेगा। तो ए को हटाने के लिए बट डिवीज़न तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं अभी कि मैट्रिक्स में हम लोगों ने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवीज़न तो किया नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इस ए को हटाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या, हमको पता है कि ए इंटू ए इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो बस इसी लॉजिक का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे क्या किया गया कि इस इक्वेशन के दोनों तरफ प्री ए इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और फिर हमने बार बार कहा है कि तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, तो हमने ब्रैकेट ए इनवर्स इंटू ए के साथ लगा दिया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, और आइडेंटिटी इंटू एक्स एक्स होता है तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी आ गया। और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कैपिटल एक्स की वैल्यू ए इनवर्स इंटू बी निकालना पड़ेगा। और इनवर्स निकालने के हम लोग कई मैथड सीख चुके हैं अब तक, रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग इनवर्स निकाला है, अभी पीछे हम लोगों ने एक फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, या हम लोगों ने पॉलिनोमियल मैट्रिक्स से भी इनवर्स निकाला है। तो जैसी जरूरत होगी वैसा आप करेंगे, ठीक है ना। और ये मेथड जो होता है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल हो, थ्री वेरिएबल हो, फोर वेरिएबल हो, यूनिक सोल्यूशन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखा,
अब इसमें क्या है कि कुछ केस हमारे पास है। देखिए केस फर्स्ट में क्या, ये केस तो बना दिया हमने से, अब यहाँ पे केस टू क्या होगा हमारा, कि जैसे हमने बताया था कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो ये पहले है ना, ये तो प्लेन का है, तो या तो दोनों पैरेलल होंगे या तो इंटरसेक्सिंग होंगे या एक दूसरे को कॉन्सिडेंट करें कॉन्सिडेंट। तो यहाँ पे एक पहले यूनिक सोल्यूशन हो गया। और नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होगी कि नो सोल्यूशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होगा तो उसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो उस केस में देन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकन्सिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो है तो देन सिस्टम में भी आइदर कंसिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, आइदर वो होगा, उसको बताएंगे कैसे सॉल्व करना। तो वहाँ भी आप लोग जैसे करते थे क्लास टेंथ में, हम लोग पढ़ते थे ए वन अपन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपन बी टू, ठीक ऐसे पढ़ते थे हम लोग। तो वहाँ पे क्या था, ए वन अपन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपन बी टू, तो यूनिक सोल्यूशन। ए वन अपन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपन सी टू, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ए वन अपन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपन सी टू, तो नो। तो सेम लॉजिक वही इस्तेमाल करना, सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए एक आध एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं। जैसे मान लीजिए एन सी आर टी का एग्जाम्पल 27 आपको दिख रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है बेटा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, जब आप लिखोगे ए एक्स बराबर बी तो एक्स और वाई के वेरिएबल से जो बनेगा मैट्रिक्स ए बनेगा, तो 2 5 3 2, और वेरिएबल दो है तो कैपिटल एक्स एक्स वाई, तो एक मैट्रिक्स 2x2 की बन रही है, ये 2x1 की बन रही है, बी हमारा 2x1 की बन रही है। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो आपने एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट 2x2 में किया था, क्या करते थे, मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते थे और जो ऑफ डायगोनल का साइन चेंज कर देते थे। तो ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको, दिस पोर्शन, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए मेन डायगोनल के इंटरचेंज कर दिया और ऑफ डायगोनल के हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया, और डिटरमिनेंट ऑफ ए जब सॉल्व करेंगे तो 4 -15 तो ये -11 आ गया। हम कहेंगे सिंस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स जो हमारा होता है तो उसी फार्मूले पर रखे, तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जैसे आपको सॉल्व करना था हम लोग को, तो ए इनवर्स पहले फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, इसके बाद आपका जो सोल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स की जगह 1 अपॉन डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट और बी की वैल्यू लिख देंगे। और इसमें ये सबसे जरूरी ध्यान रखिएगा, क्लियर करिएगा, कि जब इस तरह से कोई आ गया तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बाहर ही, पता चले कुछ बच्चे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और फ्रैक्शन में परेशान हो जाते हैं। पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, करने के बाद फिर, तो जैसे करेंगे तो 5 2 1 जा 2 और -35, 2 -35 कितना आ रहा है, -33 यहाँ आ गया, -3 + 14 आपको क्या मिल रहा है, 11, ठीक है ना, सॉल्व कर लिया तो ये हमारा 11 आ गया। अब क्या करेंगे, सभी मैट्रिक्स में डिवाइड करता था, हमने -11 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3, जब दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 आए। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना, और एक समझ लीजिए कि अगर आता है, कितनों कमजोर बच्चा जरा सी प्रैक्टिस करेगा तो एक क्वेश्चन जनरली 6 मार्क्स का, या तो 4 मार्क्स में है, 5 मार्क्स 4 मार्क्स का हो गया है, कभी कभी से आ रहा नहीं आ रहा, तो मिनिमम मान लीजिए 4 मार्क्स तो आपका एकदम तैयार रहेगा। अब आइए हम लोग एक 3x3 का देखते हैं, फिर कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल 28 को देखा जाए, तो कह रहा आपसे कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाई मैट्रिक्स मेथड। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है, तो जब आप लिखोगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी, वेयर ए क्या होगा, ए इज ए मैट्रिक्स मेड बाई द वेरिएबल्स ऑफ कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल्स है, ओके, और एक्स हमारा 3 वेरिएबल है, तो ये तो यहाँ पे 3x3, ये 3x1, और यहाँ पे बी हमारा कॉन्स्टेंट से बन गया। अब हमें क्या करना है, तो ए एक्स बराबर, तो एक्चुअली हमारा एम क्या होगा, एक्स की वैल्यू निकालना। तो ये ध्यान रखना, जब भी एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ए इनवर्स इंटू बी की, और इनवर्स निकालने के लिए अगर हम
एडजॉइंट वाला मेथड निकालेंगे तो ए इनवर्स हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या करिए, आप इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर दीजिए। तो जैसे एक्सपेंड कर रहे हैं आर वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट रो कॉलम को हाइट किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया इसके सेकेंड एलिमेंट को, रो कॉलम को हाइट, तो यहाँ पे माइनस 17 आपका आ गया। आप कहोगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसका सोल्यूशन जो होगा यूनिक सोल्यूशन होगा, एंड यूनिक सोल्यूशन इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे तो देखिए अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे। वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोफैक्टर निकालने में एक गलती बच्चे करते हैं कि पता चलता है मान लीजिए कि इस एलिमेंट का थ्री का कोफैक्टर निकालना है तो इसके रो और कॉलम को हाइड करना होता है, जो बचता है डिटरमिनेंट उसको लिखा जाता है और उसके साइन को जब करते तो कोफैक्टर आता है। तो बच्चे क्या करते हैं इस एलिमेंट को भी लिखते जाते हैं, तो ये नहीं, अगर थ्री का कोफैक्टर निकालना तो आप इसको ऐसे हाइड कर दोगे। जब इसको हाइड कर दोगे तो वन माइनस थ्री माइनस वन टू, यहाँ देखिए जब सॉल्व करेंगे आप ऐसे तो माइनस टू प्लस थ्री आपका ये ऐसे माइनस वन। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, हर एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स बनाएंगे उसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री यहाँ लिखा जाएगा हमारा। और फिर जब उसको ट्रांसपोज करके लिखोगे तो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, तो ये हमारा इनवर्स आ जाएगा। जब इनवर्स आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी होता है जैसा पिछला क्वेश्चन था। अभी हम बोर्ड पर दिखाएंगे आपको सॉल्व करके इस चीज को। तो एक्स इज इक्वल टू इनवर्स इंटू बी होता हमारा ऐसे, तो बस फार्मूले पर रखा हमने और जब सॉल्व कर लेंगे तो कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं फिर हम लोग आते हैं। एक एग्जाम्पल इसको देखिए, अब जैसे द सम ऑफ थ्री नंबर इज सिक्स, इफ़ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई थ्री एंड एड सेकेंड नंबर टू इट वी गेट इलेवन, बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, रिप्रेजेंट अल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकेंड नंबर वाई है, थर्ड नंबर, जैसे एग्जांपल में है इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हम लोग। तो मान लीजिए क्या, सम ऑफ थ्री नंबर पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन गया, इफ़ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर एंड ऐड इन सेकेंड नंबर वी गेट इलेवन। तो हमने क्या किया, थर्ड नंबर में थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड नंबर वाई में ऐसे हो गया, ये आ गया। और थर्ड क्या, बाई एडिंग द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर एक्स एंड थर्ड इज इक्वल टू वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, रिप्रेजेंट इट अल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड आपसे कह रहा। तो पहले क्वेश्चन तो हम लोग बना लिया, जब बना ले पहला इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा जीरो प्लस वाई प्लस थ्री जेड, और तीसरा इक्वेशन बनेगा एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले इक्वेशन से एक्स का कोफिशियंट, वाई का कोफिशियंट, जेड, दूसरे से एक्स का जीरो, वाई का वन, जेड का, थर्ड से एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू माइनस टू, और x तीन वेरिएबल ऐसे लिख दिया। अब एक्चुअली हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको यहाँ से आपका a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। और a इनवर्स b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, डिटरमिनेंट निकाल लें। अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको सी वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो इसकी वैल्यू प्लस नाइन आ गई। तो कहेंगे डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्ट होगा और इसका सॉल्यूशन निकलेगा। हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए ए वन वन, बस एलिमेंट का इसके एलिमेंट को छुपा लेंगे तो माई वन प्लस सिक्स, ये आपका सेवन आ गया। फिर इसी तरह से ए वन टू ए वन थ्री ए वन टू वन ए टू टू ए टू थ्री, और इसी तरह से ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, सबको निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे एडजॉइंट निकालना था तो पहले ए वन वन लिख लिया हमने, मान लीजिए सेवन आ गया, फिर ए वन टू हमारा थ्री आ गया, और ए वन थ्री हमारा माइनस वन आ गया, ए टू वन माइनस थ्री आ गया, ए टू टू जीरो आ गया, ए टू थ्री थ्री आ गया, ए थ्री वन टू आ गया, ए थ्री टू माइनस थ्री आ गया, ठीक है, और ए थ्री थ्री प्लस वन आ गया, क्लियर। फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे। जब आप ट्रांसपोज करोगे
तो जैसे आप इसका ट्रांसपोज करोगे, फर्स्ट रो की जगह फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बदल दोगे तो आपको ये ऐसे मिल गया। देखिए यहाँ पे 7 3 -1 -3 0 3 2 3 1, तो ये हमारा एडजॉइंट निकल चुका है। जब एडजॉइंट निकल गया तो ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। हमने वैल्यू पुट अप कर ली, बस इसको यहीं पे। इसके बाद क्या करेंगे, सिंस एक्स इज इक्वल टू हमारा ए इनवर्स इंटू बी होता है ऐसे, तो यहाँ पे ए इनवर्स की जगह वैल्यू पुट अप करेंगे। और फिर मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको, ये जरूर चेक करिएगा कि बच्चे क्या करते हैं, 9 का सब में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, आप क्या करिए इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमारा 3x3 की मैट्रिक्स है और ये 3x1 की है। तो जब 3x3 में आप 3x1 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3x1 का मतलब 3 रो 1 कॉलम मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 42 आएगा -33 आया, ठीक। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 18 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा 18। फिर यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -6 33 आ गया। सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, तो 42 में से था ये 9 आ गया, 18 है। फिर हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट को 9 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो ये जो हमारा है x1 के बराबर आएगा, y2 के बराबर, z। तो सिर्फ आप 3-4 सवाल की प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिए, एकदम आसानी से क्वेश्चन लग जाता है, बस सिर्फ लिखना आपको आना चाहिए। आइए हम लोग कुछ बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसके बाद। अब आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का है। बस आपको सिंपली ध्यान से सॉल्व करना होता है, कुछ भी। तो क्या कह रहे हैं, सॉल्व बाय मेथड, या ध्यान रखना सीबीएसई में साफ साफ पूछा था इस मेथड से सॉल्व करो, तो उसी मेथड से सॉल्व करना आपको। जब मैट्रिक्स मेथड पूछा है तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। एक क्रैमर रूल होता है डिटरमिनेंट से, वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं हम लोग का है, ठीक है ना। जैसे सीबीएसई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, आइए लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखोगे सिस्टम कैन बी रिटेन एच। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, AX = B। अब A क्या है लिख दिया जाए, वेयर A इज ए मैट्रिक्स ऑफ 3x3 विच इज मेड बाय कोफिशियंट ऑफ 1 -1 and 1, 2 1 -3, 1 1 1, ऐसे होंगे, ठीक। और यहां पे 3 वेरिएबल है, तो कैपिटल एक्स होगा एक्स वाई और जेड, और कैपिटल वाई एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हमारा है जो इसके कॉन्सेप्ट से बना है, 4 0 and 2, क्लियर। सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए करोगे क्या, आप इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो और पूरा स्क्रिप्ट लिखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। पर ये है 1 1 -3 1, फिर माइनस और फिर इस एलिमेंट को लिखते हैं ऐसे, फिर इसके रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे 2 1 -3 1, फिर +1 और इसके रो कॉलम को हाइड करेंगे तो 2 और ऐसे 1, आप इसको एक्सपेंड कर दो। जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और यहां पे आपका आएगा -3 ऐसे, ठीक। फिर -(-), ये +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये -3, और यहां फिर यही छोटी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, जब भी करिए विद साइन ध्यान दीजिए खाली, इसमें -(-), +3 +1, ये 4 हो गया, इसके बाद ये +5 हो गया और यहां पे +1 आ गया। आप जब सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। तो आप यहीं पे लिख देना कि सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है, और बाद में हमको पता है कि जब एक्स बराबर इतना है तो सोल्यूशन निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा हमारा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को फैक्टर निकालेंगे, जब को फैक्टर निकालेंगे मेन यही हमारा होता है A11, आप खाली लिख लो पूरा A12 A13, नोट करिए सिर्फ कायदे सावधानी से, देखते रहिएगा
A21, A22, A23 और इसके बाद A31, A32, A33। अब देखो वन प्लस वन इवन होगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहां पर ये प्लस आएगा, ये माइनस और ये प्लस। अब एलिमेंट लिखेंगे तो A11 हमारा 1 1 माइनस 3 1, ये हमारा हो जाएगा 2 1 माइनस 3 1, A13 2 1 1 1। अब A21 ये हमारा है तो इसके रो और कॉलम को हाइड कर लो गया तो -1 + 1 ऐसे आ गया A21 1 1 1 1, A23 हमारा ये हो जाएगा 1 1 और ये -1। फिर A31 देखिए रो और कॉलम को हाइड करेंगे -1 + 1 ऐसे, A32 1 2 1 -1। उतारने में गलती नहीं होनी चाहिए, पर जो है सिर्फ उतारना, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, 1 2 और -1 एंड +1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो आइए यहीं पे सॉल्व करके देखा जाए तो ये कितना आएगा आपका 1 और ये हो जाएगा +3 = 4। आप अगर इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये देखो बाहर माइनस का साइन है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये +3 तो -5। यहां देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1 = 1, यहां पे जाइए बाहर माइनस का साइन जाएगा तो -1 - 1 तो -2 ये +2। यहां सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 = 0 और इसको जब करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है 1 + 1 = -2। बस ऐसे लिखते चलिए और यहां पे हमारा आ रहा है -2 - -+3 - 1 तो ये आपका +2 हो गया। यहां जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 - -2 तो ये आपका +5 आ गया और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 =। अब इसके बाद करना क्या हम लोग को है, बस देखिए मैक्सिमम 5 मिनट लगता है सवाल लगाने में। अब आप जब इसका एडजॉइंट निकालोगे ना तो एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिए क्या करेंगे, जो भी आपने एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले हर एलिमेंट को लिख लोगे तो 4 - 5 = 1, 2 - 0 - 2 2, 5 और ये 3। फिर क्या करना हम लोग इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो आप इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको यहां से इसका एडजॉइंट मिल गया तो कितना आएगा 4 - 5 = 1, 2 - 0 - 2, 2, 5 and 3। दिस इज द एडजॉइंट। अब आपको सॉल्यूशन निकालना तो देखो सीधे सीधे आपका ये था कि सिंस एक्स इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स इन टू बी और ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इन टू बी। अब आप सबकी वैल्यू पुट अप करोगे तो जैसे वैल्यू पुट अप करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने कितना निकाला है 10 है ठीक। इसके बाद आप एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रखोगे 4 2 2 - 5 0 5 1 - 2 एंड 3 ठीक। और P कितना था हमारा 4 0 2। अब ध्यान से देखो आप ये मैट्रिक्स 3 × 3 की है, ये 3 × 1 की है तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमने कहा था हमेशा आप इसका प्रोडक्ट करना है, इसको बाहर रहने देना, पहले यहां 1/10 करो और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 × 1 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। ऐसे मल्टीप्लाई से क्या करेंगे फर्स्ट रो तो 4 4 = 16 + 0 + 4 क्लियर, यानी -20 + 0 और + 10 यानी कि 4 - 0 + 6। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये आपका कितना मिलेगा 16 4 20 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। यहां पे -10 आएगा तो ये -10 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहां पे प्लस बना। तो इस तरह से जब हम लोग कैपिटल एक्स सीधे लिखेंगे एक्स वाई और जेड और
इसके बाद ये 2 माइनस 1 और ये प्लस 1 आ गया। तो यहां से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस 1 और z इज इक्वल टू 1। इसके बाद करिएगा क्या, जैसे लगा लिया इसके बाद जो वैल्यू निकाली आपने ये जरूर चेक कर लेना कि हमने सही किया है कि गलत किया। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को उठा करके उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, किसी एक इक्वेशन को उठाओ, जैसे मान लीजिए कि हमने इस वाले इक्वेशन को यहां पे लिख दिया, तो यहां पे x की जगह हमने 2 लिख दिया, y की जगह -1 लिख दिया और z की जगह +1 लिख दिया, तो कितना आ रहा है 4, लेफ्ट हैंड साइड 4, राइट हैंड साइड 4, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।